हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल. गुड आफ्टरनून. माई सेल्फ विहांग त्रिवेदी, शेफ विहांग त्रिवेदी फ्रॉम वडोदरा, गुजरात. आज का हमारा अमूल लाइव में आप सबका स्वागत है. आज की मेरी रेसिपी है बेकरी स्टाइल चॉकलेट चिप्स कुकीज एंड काजू कुकीज. थोड़े फ्रेंड्स ज्वाइन हो जाए, फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन. हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोग इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. कमलदीप जी हाय बोल रहे हैं. हेलो कमलदीप. हेलो कमलदीप मैम. हाय, आप सबको मेरी आवाज़ परफेक्ट आ रही है? तो हम लोग अभी सेशन स्टार्ट करते हैं. दोनों कुकीज इजी है, बेकरी स्टाइल है, एकदम कैफे में जो मिलता है कुकीज वही स्टाइल से हम बनाने वाले. बहुत ही इजी एंड परफेक्टली रेडी होके घर पे ही बन जाते हैं. तो हम पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. तो यहाँ पे हमने सबसे पहले मैदा लिया है. ये दोनों कुकीज का मैंने 450 ग्राम्स ऑफ मैदा लिया है. आप लोग साइज में अभी मेंशन, बाद में जब अलग अलग बनाइस तब मेंशन कर दईस. ये मैंने 300 ग्राम्स शुगर लिया है, पाउडर शुगर. ये काजू मैंने जो है बहुत ही ज्यादा मोटा नहीं है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं, वैसे हमने क्रश करके रखा है. मिल्क पाउडर, बटर, दोनों बटर 50-50 ग्राम है, मतलब टोटल 100 ग्राम्स. यहाँ पे जो हम लोग ग्रीस करेंगे उसके लिए है मेल्टेड बटर, ये बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर. यहाँ पे चॉकलेट, हमारी जो अमूल की मिल्क चॉकलेट आती है वो हमने ली है चॉप करके. चॉकलेट चिप्स एंड डो बनाने के लिए मिल्क एंड वेनिला एसेंस. तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोग काजू कुकीज बनाएंगे. तो उसके लिए हम लोग पहले 50 ग्राम ऑफ रूम टेम्परेचर बटर लेना है हमें. रूम टेम्परेचर लेना है बट एकदम मेल्टेड नहीं लेना है, वरना इसके टेम्परेचर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. ऐसा एकदम सॉफ्ट हो वैसा हमें लेना है, बहुत ज्यादा मेल्ट नहीं लेना है, उसका हमें खास ध्यान रखना है. फिर उसके अंदर हम लोग मेजर करके 3/4 कप ऑफ पाउडर शुगर ऐड करेंगे. क्योंकि मिल्क पाउडर भी हम काजू कुकीज में ऐड करने वाले, वो थोड़ा स्वीट रहता है. तो 3/4 कप से थोड़ा सा हम ज्यादा, 1-2 चम्मच ऐड कर देंगे तो इससे परफेक्ट स्वीटनेस आ जाएगी. अगर आप लोग स्वीट कम ज्यादा करना चाहो तो अपने हिसाब से कर सकते हो. अभी हम लोग इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे. कई लोग हर एक बिस्किट, जो भी कुकीज या बिस्किट सब रेडी करते हैं तो वो हर एक को बीटर से बीट करते हैं, पर हमें हर किसी को बीटर से बीट नहीं करना होता है. क्योंकि कोई का डो हमें बहुत ज़्यादा एरी नहीं चाहिए, कोई का डो हमें थोड़ा सा नॉर्मल चाहिए. तो उस हिसाब से जो भी मेंशन किया हो उसी हिसाब से हमें यूज़ करना चाहिए. इसे हमें सिर्फ विस्क ही करना है, बीट नहीं करना है. हम चॉकलेट चिप बनाएंगे तब हम इसे बीट करेंगे. ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए तब तक ही हमें इसे बीट करना है. आप देख सकते हो इसके कलर में भी डिफरेंस आ गया है. कावी नीति जी बहुत अच्छा. थैंक यू मैम, निधिदा मैम, थैंक यू. इसे हमें अच्छे से, बस ये अभी थोड़ा सा वाइट भी हो चुका है एंड एरी भी हो गया है. तो अब हम इसे, इसके अंदर हम सारे फ्लोर्स वगैरह ऐड कर लेंगे. अभी हम लोग 1 कप मतलब 250 ग्राम्स मैदा यूज करेंगे. टू फिफ्टी ग्राम हमें मैदा यूज करना है. फिर 3 चम्मच जितना, 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर,
तीन बड़े चम्मच इतना मिल्क पाउडर, एक छोटी टेबलस्पून बेकिंग पाउडर एंड सेम एक टेबलस्पून बेकिंग सोडा। अभी इसे हम लोग अच्छे से छान के मिक्स कर लेंगे। अभी हम लोग इसे मिक्स करके इसके अंदर वेनिला एसेंस डाल के इसका डो हम लोग गूंद लेंगे। एंड कुकीज के डो को आपको कभी भी रेस्ट पे नहीं लगाना है, तुरंत कुकीज करके आप ये स्टेज पे आ जाओ। तब ओवन या आप लोग कढ़ाई में कर रहे हो तो कढ़ाई भी प्रीहीट करने रख दो, या ओवन में कर रहे हो तो ओवन भी प्रीहीट करने रख दो। इससे अगर हम लोग रेस्ट देंगे वो बहुत ज़्यादा एयरी हो जाएगा एंड हमारे कुकीज ओवर, जो मतलब कई लोग कहते हैं कि आगे से फट जाते हैं या अच्छा कलर नहीं आता, तो उससे ये प्रॉब्लम रहता है कि वो अच्छे से कुक नहीं हो पाते एंड बहुत जल्दी वो ओवरफ्लो हो जाता, मतलब बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं। अभी हम लोग वेनिला एसेंस ऐड करेंगे। सेम हमने जितना बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा यूज़ किया है उतना ही हमें वेनिला एसेंस ऐड करना है। इसमें हम लोग मेजरमेंट एकदम परफेक्ट हम मेजरमेंट से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट ही रेडी होंगे। इसका टेक्सचर भी एकदम अच्छा आएगा एंड बेकरी स्टाइल आएगा। अभी हम लोग हाथ से थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करके इसका डो अच्छे से गूंद लेंगे। आप देख सकते हो बटर वगैरह से बिल्कुल जो है एकदम बाइंडिंग तो परफेक्ट आ गया है, बट हमें सिर्फ मिल्क ही ऐड करना है 2 से 3 चम्मच। ये फुल क्रीम मिल्क है अमूल का, तो वो हम ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा 1-2 चम्मच करके ऐड करेंगे ताकि डो जो है बहुत ज़्यादा मतलब ढीला ना हो जाए। और कुकीज़ के डो को हमें बहुत ज़्यादा भी मसलना नहीं रहता, जैसे हम ब्रेड्स बन वगैरह के डो जैसे हम लोग पाम से या किसी से सरफेस पे लेकर हमें बटर के साथ उसे मसलना पड़ता है, तो वो नहीं करना पड़ता कुकीज़ के डो से। उसे सिर्फ जस्ट बाइंड करके ट्रे ग्रीस करके उसका शेप देके हमें सिर्फ बेक करने रख देना है। ये हमारा डो रेडी है, जस्ट हम लोग इसका शेप दे देंगे। एक सेकेंड में हैंड वॉश करूँ। हम बेकिंग ट्रे ग्रीस कर लेंगे। अभी हमारा लाइव सेशन है तो दोनों कुकीज में साथ में बेक करने रखेंगे, तो दोनों को हम साथ में ही हाफ पोर्शन में काजू एंड हाफ पोर्शन में चॉकलेट चिप्स दोनों एक साथ ही बेक कर लेंगे। बहुत ही क्विक एंड इजी ये बन के रेडी हो जाता है। आप देख सकते हो हमारा डो भी एकदम परफेक्ट हो गया है, तो अभी हम लोग उसे शेप दे देंगे। आप कोई भी शेप देना चाहो तो आराम से दे सकते हो, राउंड देना है या फिर
जो ये हमारे बिस्किट्स रहते हैं काजू वाले, तो उसका शेप थोड़ा सा स्क्वायर टाइप का रहता है, तो हम वैसा शेप दे देंगे। क्योंकि ये फूलता है, हम जितना रखते हैं उससे ज्यादा डबल या ट्रिपल हो जाता है ये फूलने के बाद। और अभी हम लोग काजू के पाउडर से इसे कोट। काजू के पाउडर से हम लोग इसे कोट कर लेंगे। आप चाहो तो रोज की ड्राई पेटल्स भी डाल सकते हो। चार्मी जी जय श्री कृष्ण बोल रहे हैं। चार्मी मैम, जय श्री कृष्णा। ऐसे हम शेप दे के हम लोग काजू के अंदर इसे अच्छे से कोट कर लेंगे, ताकि ऊपर से बिल्कुल काजू का क्रंच आएगा एंड नीचे बिल्कुल कुकीज का टेस्ट आएगा। अच्छे से हम लोग इसे आप राउंड शेप देना चाहो ऐसे तो वो भी दे सकते हो कुकीज का। पल्लवी जी हेलो बोल रही है। हेलो पल्लवी जी, हाय, गुड आफ्टरनून। सारे व्यूअर, सारी अमूल की टीम, सबको थैंक यू कि वो हम सबको इतना अच्छा एंड बढ़िया चांस देती है कि हम सब हमारी रेसिपी आपके साथ शेयर करते होंगे। एंड आई होप कि आपको भी हमारी सारी रेसिपीज अच्छी लगती होंगी एंड हमारी रेसिपी आप लोग ट्राई भी करते होंगे। चार्मी जी बोल रही है कि कौन से कुकीज बना रहे हैं। चार्मी मैम, मैं यहाँ पे काजू कुकीज बना रहा हूँ एंड काजू के बाद हम लोग चॉकलेट चिप कुकीज लेने वाले हैं, तो दो कुकीज का डेमो आज हम देने वाले हैं। चार्मी जी थैंक यू बोल रही है। ये अभी हमारे 5 कुकीज रेडी है, जस्ट अभी लाइव सेशन है तो हम लोग अभी 5 रेडी करके रख देते हैं एंड अभी हम लोग चॉकलेट चिप्स कुकीज की साइड चल। अभी हम लोग चॉकलेट चिप्स कुकीज की साइड चलते हैं, तो उसके लिए हमें पहले बटर लेना है, सेम 50 ग्राम बटर। ये भी बिल्कुल रूम टेम्परेचर का चाहिए, बहुत ज्यादा मेल्टेड नहीं। अभी इसके अंदर सेम हमें 1/4 कप जितनी शुगर ऐड करनी है। वन फोर कप से थोड़ा सा ज्यादा शुगर ऐड करनी है, पाउडर शुगर। एंड पहले हमें इसे सूखा मिक्स कर लेना है, ताकि जो है हमारी चीनी बिल्कुल उड़े नहीं जब हम लोग इसे बीट करें। उसके लिए चीनी के साथ बटर को अच्छे से कोट कर देना है। अभी हम लोग इसे बीट करेंगे तो हमारी जो है चीनी सारी स्प्लिट नहीं होगी।
अभी हम लोग इसे मिक्स कर लेंगे। अभी इसका कलर भी एकदम वाइट हो चुका है। अभी हम जस्ट इसे मिक्स करके सारे डोज ऐड करेंगे जो हमें मैदा चॉकलेट वगैरह ऐड करना है। बट अभी हम लोग पहले जो हमारी चॉप चॉकलेट है वो ऐड कर लेंगे। ये भी रूम टेम्परेचर पे हमें चॉप करके रखनी है ताकि इसका भी एक अच्छा कलर आता है। हम लोग इसके अंदर चॉकलेट कुकीज नहीं चॉकलेट चिप्स कुकीज बना रहे हैं, तो हम लोग का इसका कलर जो है बिल्कुल डार्क नहीं होता है, सिर्फ चॉकलेट की फ्लेवर ही रहती है इसके अंदर। अभी हम लोग सेम 1 कप मैदा ऐड करेंगे। वन कप जितना हम लोग मैदा ऐड करेंगे। फिर इसके अंदर हम लोग बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, बेकिंग पाउडर, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। इसमें बहुत ज्यादा सोडा एंड बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना है, एंड पिंच सोडा। इसे हम लोग जस्ट छान लेंगे एंड फिर स्पैचुला से हम लोग मिक्स कर लेंगे। अभी हम लोग वेनिला एसेंस ऐड करेंगे, पिंच ऑफ वेनिला एसेंस। एंड अभी हम लोग हाथ से इसे मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे हमारी चॉकलेट मेल्ट होगी वैसे इसका कलर भी डार्क हो जाएगा एंड इसका टेस्ट भी एकदम बढ़िया है। एंड अभी हम लोग इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दूध करके ऐड करके हम लोग दो अच्छे से सेम जैसे हमने पहले बांधा गूंद दिया वैसे ही हम लोग सेम इसे ही डो परफेक्ट रेडी कर लेंगे। पर इसमें थोड़ा सा कम दूध ऐड होता है जितना काजू में होता है। काजू में 4 से 5 चम्मच होता है बट इसमें 2 से 3 चम्मच में ही अच्छे से रेडी हो जाता है।
अभी ये रेडी है, अभी हम लोग एक सेकंड। अभी हम लोग सेम कुकीज रेडी कर लेंगे। अभी हम लोग हाफ पोर्शन ऑफ में चॉकलेट चिप्स कुकीज ऐड करके हम लोग बेक करने रख देंगे। आप चाहो तो चम्मच या स्कूप से भी एक जैसे सेम बना सकते हो, मतलब कोई भी छोटा बड़ा नहीं रेडी होगा, एकदम परफेक्ट सारे एक शेप के बन के रेडी होंगे। इसका शेप तो कई लोग अनइवन भी रखते हैं, बहुत ज्यादा मतलब जो है शेप नहीं बट सेम ऐसे करके रख देते हैं, इससे शेप बहुत ही एक मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल ऑल इवन शेप आती है, जैसे कैफेज वगैरह में मिलती है सेम वैसे। अभी हम लोग ऊपर से चॉकलेट चिप्स उसके ऊपर सिर्फ जस्ट हमें ऐसे करके प्रेस करके रख देना है बस। तो अभी एक साइड हमारे काजू के एंड एक साइड हमारे चॉकलेट के सारे शेप रेडी हैं। अभी हम लोग इसे बेक करने के लिए रखेंगे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पे। हम लोगों को 180 डिग्री पे हमें 15 टू 20 मिनट्स बेक करना है, बट ओवन प्री हीटेड होना चाहिए। आप लोग माइक्रोवेव में करते हो तो कन्वेक्शन मोड पे 200 डिग्री पे हमें 15 से 17 मिनट में रेडी हो जाएंगे। एंड अगर हमें आपके पास ओवन नहीं है या आप लोग ओवन यूज नहीं करना चाहते तो सिर्फ आप सिंपल कढ़ाई ले लो, उसके अंदर सॉल्ट ऐड करके फिर उसे प्री हीट करके ये बेकिंग ट्रे इसके अंदर रख दो, तो भी 15 से 20 मिनट में हमारे कुकीज रेडी हो जाएंगे। आज हमारा लाइव सेशन था तो मैंने पहले से कुकीज रेडी रखा है, बट तब तक मैं ये बेकिंग के लिए रख देता हूँ। अभी हमारे जो है ये दोनों कुकीज मैंने पहले से रेडी रखे हैं। ये चॉकलेट चिप्स वाले आप देख सकते हो उसका बेस भी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुआ है, नीचे से भी बिल्कुल ब्राउन नहीं है एंड उसका टेक्सचर भी एक आपको एकदम बिल्कुल जैसे हमारी जो नान खटाई रेडी होती है सेम वैसा ही इसका टेक्सचर रेडी हुआ है, बिल्कुल ब्राउन नहीं हुआ है कुछ नहीं। ये परफेक्ट मेजरमेंट से हम बनाते हैं तो सेम कलर भी ऐसा आएगा एंड आपका टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो हम लोग इसे सर्व कर लेते हैं। एंड थोड़े से ऊपर से चॉकलेट चिप्स स्प्रिंकल कर लेंगे। तो ये रेडी है हमारे चॉकलेट चिप्स कुकीज, ये हमारे पहले वाले कुकीज रेडी है। अभी हम लोग हमारे काजू वाले कुकीज को भी, ये काजू वाले कुकीज हमारे कॉफी के साथ सर्व होते हैं कोल्ड कॉफी के साथ, तो ये भी बिल्कुल बेस भी उसका परफेक्ट जालीदार बन के रेडी हुआ है एंड उसका क्रस्ट भी एकदम क्रिस्पी रेडी हुआ है आप देख सकते हो।
तो वो भी हम लोग सर्व कर लेते हैं। तो ये रेडी हमारे काजू वाले कुकीज एंड ये हमारे चॉकलेट चिप्स कुकीज। इजी एंड होममेड रेसिपी, सिंपल होममेड रेसिपी में दोनों कुकीज बन के रेडी। बोल रही है नाइस कुकीज। थैंक यू मैम, पल्लवी मैम थैंक यू। बिल्कुल इजी टू मेक है, फटाफट बन जाने वाली रेसिपी है, तो आप लोग जरूर से घर पे ट्राई करना एंड प्लीज मुझे उसका रिव्यू बताना। मेरी आईडी पे आप लोग डीएम करके मुझे उसका रिव्यू दे सकते हो। दोनों हमारी रेसिपीज रेडी है, तो आई श्योर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले लाइव सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू अमोल, एंड मिलेंगे लाइव सेशन में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, हैप्पी कुकिंग, बाय।